अब आइए आपको मिलाते हैं वार्ड नंबर 44 से कांग्रेस के प्रत्याशी जैद अनवार से, जो इन दिनों अपने निर्वाचित क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार इस वार्ड में टीएमसी और कांग्रेस के बीच मुकाबले कांटे का होगा, क्योंकि पिछले 2 या 3 सालों की अगर बात करें तो जैद अनवार ने जिस तरह से वार्ड में सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया है, उससे वे लोगों के दिलों में उनकी एक अलग ही छवि बन चुकी है। वार्ड नंबर 44 की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी जैद अनवार जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। खास तौर पे युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ देखी जा रही है, इसलिए यहाँ की चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। जैद अनवार का मानना है कि वार्ड नंबर 44 के लोग बदलाव चाहते हैं और इस बार यहाँ पर बदलाव आना बिल्कुल तय है। जरूर चेंजेस होगा, लोगों के अंदर एक ऐसा उम्मीद देखा है कि लोगों ने बेहतर की तरफ देखा है और इंशाल्लाह एक चेंजेस आ रहा, बड़ा चेंजेस आ रहा। एक सरप्राइज आप तमाम को मिलेगा, सरप्राइज मिलेगा, बदलाव आएगा इस बार, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो क्या आप जो लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या क्या परेशानियां आपको सुनने को मिल रही है? मैक्सिमम पानी का मैटर है, क्लीनिंग का मैटर है, मच्छर काफ़ी हैं, हर घर में मलेरिया है, ये ज़्यादा हो रहा है। जैसे विधवा पेंशन का लेकर मसला बहुत ज़्यादा है और बेकारी भत्ता का भी लेकर मसला ज़्यादा है। विधवा का ज़्यादा मैटर आ रहा है सामने, जो कि उनको सही से पेंशन नहीं मिल पा रहा है, या बहुत से लोगों ने अप्लाई किया, 5 साल हो गया, अभी तक नहीं मिल पाया, ये भी एक मसले है। आप लोगों ने आपको मौका दिया तो आने वाले 5 सालों में क्या गिफ्ट देंगे? सबसे पहले रूटीन, पहले स्क्रूटनी करूँगा, स्क्रूटनी करने के बाद फिगर आउट करूँगा, फिगर आउट करने के बाद 1 by 1 जैसे होता है फॉलो अप करके इंशाल्लाह सब जिनका हक है उनको पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। वार्ड का सबसे अहम तरीन मसला क्या लग रहा है? अहम तरीन मसला ये है कि जो फंड आता है वो फंड उन तक पहुँचता नहीं, यही मसला है, सबसे बड़ा मसला। युवा आपका, हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया में आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो जो यंगस्टर्स है, जो यंग वोटर है, उनके लिए जैद अनवार क्या मैसेज देता है? यंगस्टर के लिए ये कहना चाहते हैं कि खाली पॉलिटिक्स करके अच्छा काम नहीं हो सकता। आप अपने अन करीब जितने भी लोग हैं उन तमाम की मदद करें, और मदद करने से ये आप समाज खुद बनाते हैं, ठीक है ना। अगर रास्ते पे चलता हुआ एक पत्थर है, पत्थर को आप साइड करते हैं, और जो सोल्जर खड़े होकर बॉर्डर पे लड़ता है, दोनों का मर्तबा बराबर है। आपने ये मुल्क के लिए लड़ा, उसने ये मुल्क के लिए लड़ा, तो दोनों का मर्तबा बराबर है। यही एक सोच रख के आप मदद करें एक दूसरे का, यही होना चाहिए समाज। एक तरफ जैद अनवार जो 2-3 साल पार्टी में आया है, और दूसरी तरफ जो काउंसलर वो 21 सालों से, तो कितना सख्त मुकाबला लग रहा है इस बार? नहीं, पार्टी का ये इलाका जैद अनवार का अलहमदिल्ला इलाका, लफ्ज़ इसलिए कहा कि मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरी गली है, मेरा रास्ता। 3 साल से लफ्ज़ देखिए, हाँ, राजनीति जब आप कहेंगे, राजनीति जब बच्चा पैदा होता है ना, उसी दिन से राजनीति शुरू हो जाती है, ठीक है ना। राजनीति एक आके आप एक राजनीति और रिस्पॉन्सिबिलिटी, या राजनीति या रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप इसे कह दें कि आज दिख रहा है, जब पार्टी हो जाता है, रिकोगनाइज हो जाता है, तो ये मसला नहीं है, इंशाल्लाह हम कर लेंगे। जैद अनवार को सब सोशल वर्कर के तौर पर जानते हैं, लेकिन पहला बार एक नेता के तौर पर लोग देख रहे हैं, राजनेता के तौर पर एक इसको किस तरह आप देख रहे हैं? अच्छा, अच्छी चीज़ करने के लिए उसमें नेता बनने, नेता पॉलिटिक्स करना ज़रूरी है, पॉलिटिक्स अच्छी पॉलिटिक्स क्यों नहीं की जाए? आप अच्छी चीज़ पर अच्छी देखिए ना, एक चीज़ एक राइट्स है, हमारे बच्चों का राइट्स है, हमारी माँ विधवा माओं का राइट्स है, उस राइट तक अगर हम नहीं पहुँचाएंगे तो फिर हम जैसे समाज के लोग नहीं उठ के सामने आएंगे तो कौन आएगा? तो इसमें हम हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो आके लड़ रहे हैं, ये तमाम एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। राजनीति होने अच्छी चीज़ है ना, राजनीति से तारीख को क्या होने वाला, क्या 22 तारीख को 22 इंशाल्लाह दिखेगा आपको। और जैद अनवार कितने मार्जिन से निकल रहा आप देखिएगा, इंशाल्लाह एक बड़ी मार्जिन से इंशाल्लाह जैद अनवार निकल रहा। इस वार्ड के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? एक मौका मुझे भी अगर मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? पहले ही साल मैंने कहा ना कि विधवाओं का पेंशन, बेकारी भत्ता, स्टूडेंट स्कॉलरशिप, मच्छर का मसला, ये तमाम जो बेसिक्स थिंग्स है, गंदगी बेसिक्स थिंग्स है, उसको हम लोग तो एज सून एज पॉसिबल एडमिशन में आते संग तमाम के तमाम को रिव्यू उस पर काम शुरू हो जाएगा।